जेम्स मज एस एस बी उम्मीदवारों तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सन मुस्तबिल बचाने बाप तमाम सियासी समाजी तवमी तंजीमन कैंडल मार्चस मज शिरकत दावा आल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन तरफ जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस सन्ज जम्मू बंद काल जल्दबाजी हूं फैसल ट्रांसपोर्टर नाथ सत जिम्मेदार अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम दूध पैकेट आग दी तो दूध च वाढन किस्म नबरम ते तो कोशुर ते चकोशु गे छ जानी खुशी ता आज बनाव फन डाट है तू इति छु कोशुर तू बिति छु कोशुर तो अति कस ना कोशुर यास वाह गो जज्ब आस हर का साफ शो ताजा आसनिस कर छ टेलको पनसी लोल बर इसलिए गे इज की पेठ चाय चेन अल बकर दो दस कशीर हुन कोशरन खत नाजरीन पेश खबरन हुन तफसील प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल पुरस्कार अवार्ड ये जम्मू कशीर से तोलुक थवन वालन कईहन बचन बेहतर कारदगी हावनस पेट दिन आव तच आज राजभवन जम्मू में एल जी मनोज सिन्हा कैंसन तिमन बचन हिंस हौसला अफजाई करमस यमन जन ये अवार्ड दिन आव यल जन अथ मौकस पेट एल जी मनोज सिन्हा वालदेन पेट जोर दुत ज तम ग पन्न बचन हूं मुस्तबिल ताबनाक बनानस मज संजीदगी मुजाहर कर तिंद बचन ब्रो पकनस मज आसानी सपद नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हंद सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये रात उमरा अदा कर पत् वादी वच तमो आज नमाज जुमा दरगाह हजरत बलस मज बाजमात अदा कर्मुत यल जन तमो नमाज अदा कर ब्रो तो नमाज अदा कर जरा इबलाग सत कर उमरा अदा कर दौरान जम्मू कशीर हिंदे अमन अमान तो भाईचार बापत खसूसी दुआ मंगने आमित आल पार्टी मीटिंग हवाले कत कर वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ज मीटिंग दौरान यी मौजूद सूरत हाल हवाले कथन दल दिन युद्ध आम लूकन राहत वातनस हवाले कह कदम तुलने यी यल जन तमो वोन ज बीजेपी वरि सारे सियासी पार्टियन दावत दिन आम तो पगह नन कस कस पार्टी कर मीटिंग मज शमूलियत सबसे बड़ी दुआ जो अल्लाह के दरबार के सामने मैंने की काबे के सामने वो ये थी कि अल्लाह ताला हम लोगों की मुश्किलें आसान करे हम लोगों के लिए हम गुनाहगार हैं हमारे गुनाहों को अफू करे और हमें फिर से अपनी रहमत से हम लोगों को इस मुश्किल से निकाले कि कल है कल उसमें हमने ये सिचुएशन जो हमारी रियासत की उसके ऊपर हम लोग बैठ के बात करेंगे ऑल पार्टी की मीटिंग मेरे जाने से पहले मुकर्रर हुई थी जहाँ तक वहाँ जाने का सवाल है जो ही काबा शरीफ के दीदार हुए तो मैंने पहली दुआ जो मांगी वहाँ अल्लाह से वही कि अल्लाह ताला हमारी रियासत में अमन लाए और हमारी मुश्किलों को दूर करे हम मुसीबत में फंसे हुए हैं हर तरफ से बर्बादी ही बर्बादी है बेकारी है बदहाली है बीमारी है और ड्रग्स का भी है हर तरफ से बेहाई भी बढ़ गई है तो मैंने अल्लाह से कहा या अल्लाह अब हमें माफ़ कर और हमारे लिए रास्ते नेक कर अच्छे कर और जो मुखबिर हैं उनके लिए भी दुआ की कि अल्लाह उनको भी सही रास्ता दिखाए उनको भी ईमान पे लाए यही मेरी दुआ थी देखिए पार्टी मीटिंग कल है जब वो हो जाएगी उसके बाद हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें आपके सामने सब मुद्दे आ जाएँ इंशाल्लाह उस पर भी बातचीत होगी और उस पर जो भी वहाँ पे बहस होगी उसमें जो भी सोल्यूशन निकलेगा वो आपके सामने लाएंगे देखिए ज़रूर मैंने ये सुना कल जो मीटिंग है इसमें हम लोग पूरी तरह से बहस करेंगे और जो भी हमसे होगा हम उस पर फिर अमल करेंगे देखिए मैं जानता नहीं हूँ हमारी तरफ से दावत हर एक को है अब उनमें से कौन आता है जिसको अल्लाह ताला तौफीक दे आएगा
वो तो मैं नहीं जानता। बीजेपी को दावत नहीं दावा। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये उमरा कर पत् रात वादी वापस वे तथ आज पार्टी हेडक्वाटर नवाई सुबोस पे पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ तिहद वालहानी इस्तबाल कर आमुत यद दौरान तिम पोशमाल त्रा आई ये जन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अत मौक पे पार्टी लीडरन मुखातिब सपद वो वक् आमुत पज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी मजीद मजबूत बनाने बाप कर तम बाप जरूरी ज नौजवान लीडर तो वर्कर इन ब्रो कन अन्न जे के एस एस बी उम्मीदवारों तरफ आज जम्मिस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस सज कर आमुत यद दौरान उम्मीदवारों तरफ वालदेन समाजी तंजीमन सियासी जमातन तो आम लूकन मांग कर आई जम ग कैंडल मार्चस मज शरीक सपदन युद्ध जम्मू कशीर हूं मुस्तबिल बचाने यी। देखिए जैसे कि आप सभी जानते हैं कि तमाम सारे जेके एसएसबी के एस्पिरेंट्स जो हैं पिछले कुछ दिनों से सड़कों पर हैं इस मांग को लेकर कि हम लोग एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी के हाथों एग्जाम नहीं देना चाहते हैं जिसके लिए हम लोगों को मजबूर किया जा रहा है। एपटेक एक ऐसी कंपनी है जो पास्ट में तो ब्लैक लिस्टेड थी लेकिन हाल ही में जनवरी और फरवरी के महीने में आप देखेंगे केवी संगठन का पेपर सी टेट का पेपर यहां तक कि हमारी पास की यूनियन टेरिटरी ले में इनके लोग जो है वो सॉफ्टवेयर को बग करके बाहर से पेपर करते पाए गए हैं। ऐसे में एस्पिरेंट्स इस कंपनी के हाथों अपना भविष्य नहीं बेचना चाहते और हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ये जो कैलेंडर इशू किया है एक तो इसको वापस लिया जाए, दूसरा एपटेक कंपनी ने जितने भी एग्जाम अभी तक करवाए हैं उनकी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हो क्योंकि हमारे पास कुछ इनपुट्स हैं कि जो इन्होंने जेके पीएसआई का पेपर करवाया है उसमें भी इस तरह का फ्रॉड हुआ है, उसमें भी लीक हुआ है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि पब्लिक रिक्रूटमेंट प्राइवेट प्लेयर से छीन के सरकार खुद करवाए तभी हमको सरकार के ऊपर विश्वास होगा। चौथा हम ये मांग करते हैं कि पेपर लीक को लेकर एक सख्त से सख्त कानून जल्द बनाया जाए ताकि कोई दोबारा ऐसी हिम्मत ना करें। और कल हमने ये फैसला किया है कि कल शाम को 6 बजे से हम एक कैंडल मार्च कच्ची छोनी से एलजी हाउस तक जो है वो मार्च करेंगे और उस मार्च के लिए हमारी तमाम सारी सोशल पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से अपील है, चाहे वो चैम्बर है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, बार एसोसिएशन है या कोई पॉलिटिकल पार्टीज भी है, आप लोग अगर चाहते हैं जम्मू कश्मीर का भविष्य बचा रहे, आप लोगों के बच्चे अगर पारदर्शी तरीके से इम्तिहान दें और जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं जहाँ एस्पिरेंट्स के पेरेंट्स हैं वो सब करप्शन के खिलाफ इस मुहिम में हम लोगों का सहयोग कीजिए क्योंकि ये सिस्टम के साथ लड़ाई है जिसमें हमें आप सब की जरूरत पड़े। नाजरीन कौशल खबरनाम जारी, ये निमोक तिजारती वक्फ़।